मैकेनिज्म ऑफ हिमेटोपोइसिस, इसमें क्या है, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिमेटोपोइसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट या फिर ब्लड सेलुलर कंपोनेंट का, उन्हें को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। और हिमेटोपोइसिस बोन मैरो में स्टार्ट होता है और वो भी स्टेम सेल्स है, ठीक है। अब स्टेम सेल्स क्या है, जिनके पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है असिमेट्रिक डिवीजन, असिमेट्रिक डिवीजन क्या है, जो कि स्टेम सेल्स होगी जो कि आरबीसी में बन जाएगी और खुद के सेल्स में बन जाएगी, तो उसी को बोलते हैं, जैसे ये स्टेम सेल्स है, ये खुद की स्टेम सेल में बन गई और ये दूसरी सेल में बन गई, तो उसी को बोलते हैं, और इसी डिवीजन को बोलते हैं असिमेट्रिक डिवीजन। अब अपन आते हैं यहां से, देखिए टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, तो देखिए दो तरह की स्टेम सेल्स होती है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। यहां से सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि मैकेनिज्म है। तो देखिए टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है, दिस आर टाइप ऑफ स्टेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टोटल टिश्यू सेल्स ऑफ द बॉडी, जो कि सारे सेल्स मतलब है ना बॉडी के बनाने होंगे टिश्यू ऑफ सेल्स, वो आती है टोटिपोटेंट। प्लूरीपोटेंट क्या होती है, दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, जो कि अलग अलग टाइप के टिश्यू सेल्स बनाती है, उसी को बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। और प्लूरीपोटेंट फिर है ना आगे डिवाइड होता है मल्टीपेटेंट स्टेम सेल्स में, और मल्टीपेटेंट दो प्रकार की होती है, देखिए टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन को हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर रिलेटेड विद लिम्फोइड सिस्टम नोन एज कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। और टाइप टू की है, जो कि मल्टीपोटेंट सेल्स है, वो क्या है ना माइलॉइड सिस्टम से होती है, तो इसको हम इसको बोलते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो देखिए टाइप वन को बोलेंगे हम कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और टाइप टू को बोलेंगे कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। और ये सब किसके टाइम पे, मल्टीपेटेंट, और मल्टीपेटेंट किसके टाइम पे, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है, जो स्टेम सेल्स जिनके पास कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स, अलग अलग प्रकार के टिश्यू सेल्स का मतलब है ना प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। और टोटिपोटेंट क्या होता है, जो कि है ना मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है सारी ब्लड टिश्यू सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में, ठीक है। अब अपन आते हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स में, जो कि अपन ने पीछे पढ़ा था कॉमन और लिम्फोइड, जो कि मल्टीपैटर्न के टाइप है दो, तो अपन कॉमन लिम्फोइड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और कॉमन लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एक ही बात है, जिसको हम LMS बोलते हैं, एल से लिम्फोइड मल्टीपैटर्न स्टेम सेल्स है। तो दीज लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स विल फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री कमिटेड स्टेम सेल्स। अब ये तीन कमिटेड स्टेम सेल्स में डिवाइडेड है, प्रो NK सेल्स, प्रो T सेल्स और प्रो B सेल्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है यार, तीन कमिटेड स्टेम सेल्स में, कमिटेड स्टेम सेल्स क्या होती है, तो देखिए व्हाई दिस सेल्स आर नेम्ड एज कमिटेड स्टेम सेल्स, इनको हम कमिटेड स्टेम सेल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज सेल्स आर कमिटेड टू अ पर्टिकुलर पाथवे ऑफ डिफरेंशिएशन, और दीज सेल्स आर कमिटेड टू डिफरेंशिएट विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, क्योंकि ये ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स से डिफरेंशिएट होती है और ये पर्टिकुलर पाथवे में चलती है, इसीलिए हम इसको कमिटेड स्टेम सेल्स बोलते हैं। जो कमिटेड आदमी होता है वो ना पर्टिकुलर एक मतलब है ना एक आदमी के बीच जाता है, तो उसी तरह ये कमिटेड है, ये पर्टिकुलर पाथवे में चलेगी और ये पर्टिकुलर ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स में होगी। तो कमिटेड स्टेम सेल्स आर नोन एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, और इन हम इनको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। तो ठीक है, अब ये तीन प्रकार की थी, प्रो एन के, प्रो टी और प्रो बी, कौन, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। तो अब अपन देखेंगे प्रो एन के क्या होता है, तो देखिए प्रो एन के सेल्स होती है वो डिवाइड और डिफरेंशिएट हो जाती है नेचुरल किलर सेल्स में, और कहाँ पे, बोन मैरो में, और दीज एन के सेल विल रिलीज इन टू पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन, और फिर ये पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब What are natural killer cells and how we can differentiate natural killer cells from T lymphocyte or B lymphocyte? अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपना कि अब यार प्रो एन के सेल मतलब है ना प्रो नेचुरल किलर स्टेम सेल्स, तो अपन ने समझ ली जो कि है ना मतलब डिफरेंशिएट हो जाएगी और है ना नेचुरल किलर सेल में मतलब है ना हो जाएगी और फिर वो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन चली जाएगी और वो है ना डिफरेंशिएट कहाँ पर होगी, बोन मैरो होगी। अब सबसे पहले नेचुरल किलर सेल्स होती क्या है और ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से फर्क क्या होता है। तो देखिए नेचुरल किलर सेल्स आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट बट एन के सेल्स आर नॉट अ टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, क्यों नहीं है, बिकॉज टी लिम्फोसाइट कंटेन CD3 प्रोटीन एंड एनके सेल डू नॉट। तो देखिए टी लिम्फोसाइट होते हैं उसके पास CD3 प्रोटीन होते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रोटीन है वो CD3 प्रोटीन, और बी लिम्फोसाइट के पास होती है CD19 और CD20 प्रोटीन, और एनके सेल के पास ये दोनों ही नहीं आता, ना CD3 प्रोटीन होता है ना C19 और C20। तो अपन को अगर है ना बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट पहचाननी है तो उस पर देखेंगे CD3 प्रोटीन है तो वो टी लिम्फोसाइट है, और बी लिम्फोसाइट पहचाननी है तो अपन देखेंगे उसमें CD19 और CD20 प्रोटीन है तो वो बी लिम्फोसाइट है। अब फंक्शन ऑफ एनके सेल, अब नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इज टू कंट्रोल सर्वल टाइप ऑफ ट्यूमर्स माइक्रोबियल इन्फेक्शन बाय लिमिटिंग देयर स्प्रेड एंड सब्सिस्टेंट देयर डैमेज। तो इनका मेन फंक्शन यही होता है, ये कंट्रोल करते हैं मतलब ट्यूमर और है ना इन्फेक्शन को, कैसे, उनका है ना स्प्रेड रोकने से, ठीक है।
एंड सबसे टिश्यू डैमेज और है ना टिश्यू डैमेज को रोकते हैं, ठीक है। अब प्रो टी सेल्स क्या होती है और नेटिव टी सेल्स, उनको हम नेटिव टी सेल बोलते हैं। प्रो एनकेम देखा था हमने, नेचुरल किलर सेल डिफेंस हो गई थी किलर सेल्स में और बोन मैरो में, तो ये भी बोन मैरो में होती है। प्रो टी सेल्स आर डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएट एंड रिलीज इनटू ब्लड सर्कुलेशन, दीज सेल्स आर इमेच्योर टी सेल्स। तो प्रो टी सेल्स क्या होगी, इमेच्योर टी सेल में डिफरेंशिएट हो जाएगी और फिर फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन दीज टी इमेच्योर टी सेल्स देन मूव टू थाइमस, और फिर इमेच्योर टी सेल्स थाइमस में मूव हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन से, और फिर थाइमस में ये इमेच्योर टी सेल्स होगी ये ट्रेंड हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी मेच्योर टी सेल्स में, और फिर हम इन टी सेल्स को अगेन रिलीज कर देंगे पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में। और अब आपने देखा ही था टी सेल्स में क्या होता है, उनको हम बोलते हैं CD3 पॉजिटिव टी सेल, क्योंकि उसके पास CD3 प्रोटीन होता है। तो ये तो इसीलिए मैंने नाउ मैच्योर टी सेल्स आर नोन एज CD3 पॉजिटिव टी सेल, और दीज सेल्स इन ब्लड सर्कुलेशन हैव CD3 प्रोटीन और दे सेल्फ रिस्पेस आर कन्वर्टेड इनटू मैच्योर CD3 टी सेल्स। तो यही है कहना, इन ब्लड सर्कुलेशन में इनके पास CD3 प्रोटीन होता है टी सेल्स के पास, और है ना इसका सेल सरफेस होता है वो है ना मैच्योर CD3 टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए दोस, CD3 टी सेल्स विल कन्वर्ट इनटू टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स। अभी CD3 मतलब सेल्स होती हैं, ये टी सेल्स ये भी दो प्रकार की होती है, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब टी सेल भी दो प्रकार की है, हेल्पर टी सेल में क्या होगा, इसमें CD3 तो होता ही होगा, इसमें CD4 भी होगा साथ साथ में, और साइटोटॉक्सिक सी सेल में क्या होता है, CD3 के साथ CD8 प्रोटीन होगा। तो देखिए हेल्पर टी सेल्स क्या होती है, और मतलब है ना हेल्पर टी सेल दीज सेल्स हैव CD3 एंड CD3 प्रोटीन ऑन देयर सेल्स एंड आर नोन एज हेल्पर टी सेल। CD3 और CD4 प्रोटीन होगा उसको हेल्पर टी सेल बोलेंगे, और हेल्पर टी सेल भी हमें दो मतलब है ना कन्वर्ट हो जाती है, हेल्पर टी सेल वन सेल्स और हेल्पर टी हेल्पर टू सेल्स, टी हेल्पर वन सेल्स और टी हेल्पर टू सेल्स। अपन जानेंगे टी हेल्पर वन सेल्स के बारे में, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। टी हेल्पर वन सेल्स होगी ये क्या ना इंटरफेरॉन गामा और ना ट्यूमर नेक्रोसाइजिंग फैक्टर होंगे इनमें। तो अगर ये ना इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोसाइजिंग फैक्टर अगर है ना कम होते हैं तो यहाँ पे मोनोसाइट और मैक्रोफेज हो जाती है, वो एक्टिव मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर है ना लिटिल अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो है ना जो मोनोसाइट होंगे और मैक्रोफेज हो जाएंगे वो एक्टिव मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर है ना इंटरफेरॉन गामा और ट्यूबर नेक्रोसाइजिंग फैक्टर TNF की अगर कंसंट्रेशन लिटिल होगी, थोड़ी सी होगी, एक तो लो और एक बिल्कुल थोड़ी सी, तो मोनोसाइट है ना और मैक्रोफेज ये है ना एपिथेलियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो मोनोसाइट और मैक्रोफेज जाइंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फंक्शन क्या है टी हेल्पर टू सेल्स के, टी हेल्पर टू सेल्स रिलीज साइटोटॉक्सिन इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, और टी हेल्पर टू सेल्स होगी ना वो मतलब है ना रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, और बहुत इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 जो कि ये है ना हेल्प करते हैं टी सेल्स को मतलब है ना कन्वर्ट करने में प्लाज्मा सेल्स में। देखिए टी सेल्स होगी, टी सेल्स खुद मतलब है ना ये है ना ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करेगा इंटरल्यूकिन 4 टी सेल्स को, ठीक है। और फिर ये बी सेल्स है ना मतलब है ना अरे हाँ ये बी सेल्स को मतलब है ना ग्रोथ फैक्टर का काम करेगा इंटरल्यूकिन 4, और फिर बी सेल कन्वर्ट हो जाएगी प्लाज्मा में और फिर प्लाज्मा से एंटीबॉडी बन जाएगी। तो हेल्पर टी सेल मतलब है ना हेल्पर टी टू टाइप सेल का काम ही ये होता है कि रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 4 और 5, और इंटरल्यूकिन 4 तो है ना मतलब ग्रोथ फैक्टर के लिए काम आता है, इंटरल्यूकिन 5 क्या होता है बी सेल को डिफरेंशिएट फैक्टर होता है, ठीक है। अब प्रो बी स्टेम सेल्स इन बोन मैरो, प्रो बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर बी सेल, बोन मैरो में क्या होता है प्रो बी सेल्स है ना मैच्योर बी सेल्स में मतलब चली जाती है, और फिर ये है ना ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। और बी सेल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का, अपन ने दिखाई देखो बी सेल्स का क्या काम है। और हेल्पर टू सेल्स मतलब है ना टी हेल्पर टू सेल्स इंटरल्यूकिन 4 और 5 बनाएगी जो कि है ना बी सेल्स को मतलब हेल्प करेगी एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। और बी सेल का काम क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, तो मेन फंक्शन ऑफ बी सेल्स इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में, पढ़ लिया लिम्फोइड के बारे में, पूरा पढ़ लिया अपन, क्या क्या पढ़ा अपन ने लिम्फोइड के बारे में। लिम्फोइड में अपन ने पढ़ा तीन तरह की होती है, प्रो एनके, प्रो टी और प्रो बी सेल, ठीक है। और प्रो एनके सेल में पढ़ा अपन ने उसका क्या फंक्शन होता है, फिर प्रो टी सेल में पढ़ा कि टू और टी मतलब है ना टी हेल्पर सेल भी दो प्रकार की होती है, टी हेल्पर वन और टी हेल्पर टू, और फिर बी सेल के बारे में पढ़ा अपन ने, और बी सेल का फंक्शन क्या होता है एंटीबॉडी बनाना, और टी का अलग अलग फंक्शन होते हैं। देखिए टी वन का तो ये ना मतलब है ना मोनोसाइट और है ना एक्टिव माइक्रोफेज में हो जाती है टी हेल्पर वन सेल, और अगर इसके अंदर है ना ये इंटरफेरॉन गामा फैक्टर इनके अगर है ना लिटिल कंसंट्रेशन होगी तो ये मतलब है एपिथेलियल सेल्स, और हाई कंसंट्रेशन होगी जॉइंट सेल में। ये अपन ने सब पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं माइलोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये तीन प्रकार की होती है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, देखिए डरना नहीं है,
इसके बारे में सब पढ़ लिया, ये तो बिल्कुल ऐसे एक सेकंड काम है। तो इरिथ्रोइड मेगाकैरियोट स्टेम सेल्स, माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स तीन प्रकार की होती है। पहली प्रकार है इरिथ्रोइड मेगाकैरियोट स्टेम सेल्स, दूसरी है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट स्टेम सेल्स, और तीसरी है इयोसिनोफिल बेसोफिल स्टेम सेल्स। देखिए इरिथ्रोइड मेगाकैरियोट नाम से ही है, देखो इरिथ्रोइड मेगाकैरियोट, तो यहाँ पे है ना इरिथ्रोइड में दो प्रकार की होगी, एक तो इरिथ्रोइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और एक मेगाकैरियोट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। और इरिथ्रोइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट और मेगाकैरियोट से बन जाएगा प्लेटलेट्स। और यहाँ पे भी देखिए ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और मोनोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये दो प्रकार की है। और मोनो और ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से बन जाएंगे न्यूट्रोफिल, और मोनोसाइट के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से बन जाएंगे मोनोसाइट। और इयोसिनोफिल और बेसोफिल स्टेम सेल्स जो कि है ना इयोसिनोफिल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और बेसोफिल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट दो में डिफरेंशिएट है। और इयोसिनोफिल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से इयोसिनोफिल बन जाएंगे और बेसोफिल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से बेसोफिल बन जाएंगे। अब अपन सबके बारे में आराम से पढ़ेंगे कैसे क्या बनते हैं। देखिए सबसे पहले आता है अपन इरिथ्रोइड मेगाकैरियोट स्टेम सेल्स, उसमें सबसे पहले इरिथ्रोइड कमिटेड सेल्स। अब देखिए इन बोन मैरो इरिथ्रोइड कमिटेड स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी कॉलोनी फॉर्मिंग ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट, और फिर इरिथ्रोब्लास्ट ना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट जो ये है ना डिफरेंशिएट हो जाएंगे इरिथ्रोब्लास्ट में, और फिर है ना बहुत सारे रिएक्शन होगी, और फिर इरिथ्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट हो जाएंगे रेटिकुलोसाइट्स में, और फिर ये रेटिकुलोसाइट है ना रिलीज हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में, और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में रेटिकुलोसाइट है ना डिफरेंशिएट हो जाएगी इरिथ्रोसाइट से, और ये आरबीसी बना देगी। ठीक है अब आरबीसी की है ना जो साइज होती है 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है, और कलर होता है रेडिश और पिंकिश। तो यही है, कुछ नहीं है। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट कमिट सेल में ना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट, फिर उससे इरिथ्रोब्लास्ट, फिर उससे रेटिकुलोसाइट, फिर रेटिकुलोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में गया, फिर रेटिकुलोसाइट से ये बन गई इरिथ्रोसाइट। अब अपन आते हैं दूसरा मेगाकैरियोट कमिटेड स्टेम सेल्स। तो इसमें क्या है, इन बोन मैरो मेगाकैरियोट कमिटेड स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगालोब्लास्ट, और फिर मेगालोब्लास्ट है ना सीरीज ऑफ ये है ना प्लेटलेट्स, और फिर प्लेटलेट ब्लड सर्कुलेशन चली जाती है। प्लेटलेट की साइज कितनी होती है, 1 से 2 माइक्रोमीटर, और इसका कलर होता है ब्लू इस इन कलर। अब अपन आते हैं ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट स्टेम सेल्स। ग्रैनुलोसाइट स्टेम सेल्स क्या होगी, ये बोन मैरो में ग्रैनुलोसाइट स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, और फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स माइलोब्लास्ट, और फिर माइलोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रोफिल में, और इसीलिए न्यूट्रोफिल ग्रैनुलोसाइट्स होती है। और इनकी साइज क्या होती है, 12 से 15 माइक्रोमीटर, और न्यूट्रोफिल्स हैव ग्रैन्यूल विच बोथ ब्लूइश और रेडिश इन कलर। देखिए ये तो मतलब है ना ब्लूइश थी कौन, प्लेटलेट, जिसमें मतलब जो कि मेगाकैरियोट कमिटेड स्टेम सेल से बनती है, और रेडिश थी अपने इससे पहले वाली इरिथ्रोसाइट, और ये न्यूट्रोफिल होगी जो कि ग्रैनुलोसाइट स्टेम सेल से बनेगी, वो है ना मतलब है ना ब्लूइश भी होगी और रेडिश भी होगी कलर में। अब अपन पढ़ेंगे मोनोसाइट स्टेम सेल्स, ये भी बहुत इजी है। बोन मैरो में मोनोसाइट स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मोनोसाइट, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मोनोसाइट्स कन्वर्ट हो जाएगी मोनोब्लास्ट में, फिर मोनोब्लास्ट मोनोसाइट्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी, और फिर ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है। और मोनोसाइट व्हेन सर्कुलेट इन ब्लड सर्कुलेशन दे आर नोन एज मोनोसाइट साइट्स, बट व्हेन दे आर मूव टुवर्ड्स टिश्यू दे आर नोन एज टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस। तो ये अगर ब्लड सर्कुलेशन में हुआ तो मोनोसाइट को मैं ना मतलब है ना उनको मोनोसाइट ही बोलते हैं, पर अगर ये किसी टिश्यू की तरफ चली गई अगर ये तो अपने ये ना हम इनको अलग अलग टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। हम देखिए अगर मोनोसाइट स्किन की तरफ जा रही है तो हम इसको बोलते हैं लैंग्रीनमस सेल्स, और अगर मोनोसाइट जा रही है सीनस की तरफ तो माइक्रोग्लियल सेल, अगर मोनोसाइट जा रही है लीवर की तरफ तो कफलर सेल, अगर मोनोसाइट जा रही है लंग्स की तरफ तो एल्वोलर मैक्रोफेज, अगर मोनोसाइट जा रही है स्प्लीन और लिम्फ नोड की तरफ तो जो डेंड्रोइट सेल बोलते हैं, और मोनोसाइट जा रही है अगर किडनी की तरफ तो जो मेसेंकाइमल सेल बोलते हैं। इन सम इन्फ्लेक्शन मोनोसाइट्स मूव फ्रॉम सर्कुलेशन टू साइट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर साइट ऑफ इन्फ्लेक्शन जा रही है तो उनको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी मैक्रोफेज। तो देखिए ये सब है मोनोसाइट की वजह से। ठीक है मोनोसाइट कैसे बन रही है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मोनोसाइट से मतलब स्टेम सेल्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, फिर मोनोब्लास्ट, फिर मोनोब्लास्ट मोनोसाइट्स, और अगर ब्लड सर्कुलेशन जा रही तो खाली मोनोसाइट्स, और अगर स्किन की तरफ तो लैंग्वेज सीएनएस की तरफ माइक्रोग्लियल, लीवर में कुफलर, लंग्स में एल्वोलर मैक्रोफेज, और स्प्लीन और लिम्फ नोड में डेंड्रोइट, और किडनी में मेसेंकाइमल, और इन्फ्लेशन में आती है इन्फ्लेशन मैक्रोफेज। ठीक है और अब अपने लास्ट टाइप आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे इयोसिनोफिल और बेसोफिल स्टेम सेल्स। इयोसिनोफिल स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इयोसिनोफिल, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग इयोसिनोफिल माइलोब्लास्ट, फिर माइलोब्लास्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगी इयोसिनोफिल, और इयोसिनोफिल फिर ब्लड सर्कुलेशन चले जाएगी, पिंकिश इन कलर की होती है, 12 माइक्रोमीटर की होती है। फिर बेसोफिल के बारे में पढ़ेंगे हम, बेसोफिल है इन ब्लड सर्कुलेशन बेसोफिल स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट इनटू स्टेम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ बेसोफिल, बेसोफिल स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ बेसोफिल बन जाएगा, और फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ बेसोफिल हो जाएगा ये ना
मतलब है ना बहुत सारे रिएक्शंस के बाद डिफरेंशिएट हो जाएगा बेसोफिल में, और फिर है ना बेसोफिल सर्कुलेशन में चली जाएगी, और ये 12 से 15 माइक्रोमीटर की होती है और ब्लूइश इन कलर होता है। आपने क्वेश्चन आता है भाई ना बेसोफिल और मास सेल में क्या अंतर है, तो बोथ बेसोफिल एंड मास सेल हैव रिसेप्टर ऑफ IgE एंटीबॉडी, और डिफरेंस क्या है, बेसोफिल है जो कि सर्कुलेटरी सेल है इन कनेक्टिव टिश्यू, और मास सेल है जो कि स्टेशनरी सेल है, ये है ना घूमती रहती है बेसोफिल, और मास सेल स्टेशनरी सेल है पेरिफेरल कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये हो गया अपना पूरा टॉपिक, अब अपन इसकी है ना समरी देख लेते हैं, और है ना ये अपना अगला टॉपिक आएगा, अब इस समरी देख लेते हैं। देखिए आज अपने क्या क्या पढ़ा मैकेनिज्म में, तो देखिए अपन ने मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ा चीज़ें। सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्टेम सेल्स के टाइप, तो स्टेम सेल्स के अपन ने देखा दो तरह की स्टेम सेल्स होती है, कौन सी, टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट, और प्लूरीपोटेंट मल्टीपोटेंट में चल जाएगी, और मल्टीपोटेंट दो टाइप की हो गई, कॉमन लिम्फोइड सेल्स और एक माइलोइड, ठीक है। अब लिम्फोइड में भी तीन प्रकार की, कौन सी, प्रो एन के और प्रो टी और प्रो बी, ठीक है। और प्रो टी में भी फिर दो तरह की हो जाएगी, टी हेल्पर वन और टी हेल्पर टू, ठीक है। और फिर हमने माइलोइड में क्या क्या पढ़ा, इसमें भी तीन तरह की पढ़ी अपन ने, कौन कौन सी, इरेथ्रोसाइट, मेगाकैरियोट, फिर दूसरी पढ़ी अपन ने, दूसरी कौन सी पढ़ी अपन ने, दूसरी पढ़ी अपन ने ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट स्टेम सेल्स, हाँ, तो ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट स्टेम सेल, और फिर इसनोफिल बेसोफिल स्टेम सेल्स, और फिर अपन ने इसके बारे में पूरा देखा कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये हो गया अपना पूरा टॉपिक, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा ब्लड के बारे में, ब्लड का हम सब कुछ जानेंगे एकदम बेसिक से लेके पूरा। तो ये अपने मैकेनिज्म हो गया और वो हो गया, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।